खान साहब से। हाँ, सबको ईद मुबारक। बशर इमरान खान को भी ईद मुबारक। बशर इमरान खान से मैं गले मिली। मेरी आज ईद की सबसे बड़ी ईद थी, खान साहब ने ईद मुबारक प्यारी। जैसा कि इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा तोहफा खान साहब ने अपनी तस्वीर दी थी, और रमज़ान का और ईद से पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कैसे हो सकता है कि खान साहब जो है वो ईद पे बाहर नहीं आए। लेकिन आज खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने दो दफ़ा मुझे सलाम किया। पहले सलाम किया, क्या हाल है, उसके बाद सर पे हाथ रख के बोला कि नादिया क्या हाल है, ठीक हो, और उसके बाद उनसे बात हुई। और सबसे अच्छा लगा कि खान साहब ने ईद मुबारक किया और मुस्कुराते हुए दो दफ़ा जाते हुए भी, और बशर इमरान खान साहब वो भी इंतहाई मुस्कुरा के मिली और उनको भी ईद मुबारक किया, उनको गले लगाया। और खान साहब आज भी पुरजोश हैं और अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए और अपनी आवाम की धड़कनों के साथ जिंदा हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे लीगल एक्सपर्ट और वो बताएंगे, लेकिन मेरी ईद का सबसे बड़ा तोहफा ये था कि आज खान साहब ने मुस्कुराते हुए एक नहीं दो दफ़ा मिले और ईद मुबारक दी, जब मैं गई तब भी और उसके बाद भी। और मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह मैं ईद पे भी आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो मैं यही कहूँगी अपनी कौम से कि आज भी खान साहब उतने ही हसीन नज़र आ रहे थे जितना आप सोच सकते हैं, और उतने ही पुरजोश। यकीन जानिए बहुत जल्द इमरान खान जो हैं वो आप सबके दरमियान होंगे, और आप सब को इमरान खान की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।